Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 1st, French Revolution, and we have done some important topics about this chapter, and today we'll start a new topic. Did women have a revolution? So, kya women ne bhi koi revolution kiya tha? एक्टिव पार्टिसिपेंट थी वुमेंस जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी रिवॉल्यूशन में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था वो चेंजेस लाना चाहती थी एंड उन्होंने चेंजेस लाए फ्रेंच सोसाइटी में अपने प्रति जो बिहेवियर था ना उसमें बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस लाए ऐसा नहीं है कि आप वुमेन को कैसे भी ट्रीट कर लोगी उन्होंने इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए जो कि हम अभी इसी क्लास में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाई थी वुमेन्स ना उन्होंने ये आशा रखी उन्होंने अपनी जो वॉर है उसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाई क्योंकि उन्होंने इतनी सी आशा रखी कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो जाएगी ताकि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा सुधर जाए इतनी सी आशा कि आप हमारे जो स्थिति है उसको थोड़ा बहुत ढंग से देखें सुधरा हुआ देखें तो इस आशा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिवॉल्यूशन में नाउ थर्ड स्टेट की जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी वो वॉकिंग वुमेन थी घर में नहीं बैठती थी वो काम करती थी कहाँ काम करती थी लॉन्ड्री में काम कर रही है फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को वो बेच रही हैं तो वो वर्किंग वुमेन है यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वर एम्प्लॉयड और जगह काम करती थी डोमेस्टिक सर्वेंट थी कहाँ पर फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट या फिर थर्ड स्टेट के वेल्दियर सेक्शंस के यहाँ वो घर में काम करती थी तो प्रोस्पेरस पीपल के यहाँ वो लोग काम कर रही हैं वर्किंग वुमेन है मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऑफ थर्ड स्टेट डिडेंट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग उन्हें कोई भी जॉब की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और उन्हें एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी एट दैट टाइम ऑफ द वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब किसको सभी चीज़ों का मौका मिलता है मींस जो नोबल्स की जो डॉटर्स हैं एंड वेल्दियर मेंबर्स हैं थर्ड स्टेट के मीन्स फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के भी वेल्दियर जो डॉटर्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ मिलती थी पढ़ने की ट्रेनिंग की और भी अदर फैसिलिटीज़ मिलती थी पर थर्ड स्टेट की जो लोअर क्लास की वुमेन्स हैं उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी थर्ड स्टेट सॉरी नोबल डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट को फैसिलिटी मिल रही है उनकी शादियाँ भी उनके फादर्स और सॉरी उनकी फैमिलीज के द्वारा करा दी गई थी नाउ खाली बैठ नहीं रहे हैं हम वर्किंग वुमेन हैं फैमिली को भी संभाल रहे हैं सारे काम भी देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं ब्रेड की लंबी लाइनों में और भी हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं पर हमारा जो पर डे का पैसा है मीन्स वेजेस है वो क्या है लोअर है इन कंपैरिजन टू मेन मतलब काम जो मेन है और वुमेन है वो दोनों बराबर कर रहे हैं बट पैसे किसको ज़्यादा मिल रहे हैं मेन को ज़्यादा मिल रहे हैं क्यों भाई ऐसा क्यों तो ये कंडीशन थी वुमेन्स की एट दैट टाइम सो अब हम लोग आगे के पैराग्राफ्स को देखेंगे सो आगे के हम पॉइंट्स में ये देखेंगे कि जो वुमेन्स थी वो धीरे धीरे इंस्पायर हुई अपने राइट्स के लिए कैसे इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट उन्होंने क्या किया उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स बनाने लग गए ठीक है तो अपना एक संगठन अपना उन्होंने एक संगठन बनाते हुए अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए न्यूज़पेपर्स की हेल्प ने स्टार्ट कर दी उस टाइम पर 60 वुमेन्स क्लब एक्टिव थे केम इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ मतलब 60 पॉलिटिकल क्लब्स मायने रखते हैं एक तरीके से जिनमें से दो इंपॉर्टेंट है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन और इन क्लब्स या फिर इन वुमेन्स की डिमांड मेजर डिमांड क्या थी वुमेन एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन उनकी एकमात्र यही मांग थी एकमात्र तो नहीं इंपॉर्टेंट ये मांग थी कि जैसे मेन को राइट्स मिले हैं पॉलिटिकल राइट्स कि वो वोट दे सकते हैं हमें भी वैसे ही राइट मिलने चाहिए नाउ डिसअपॉइंटमेंट उन्हें तब होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में उन्हें पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया जाता है एक्टिव पैसिव सिटीजन्स हमने देखे एक्टिव मेन 25 ईयर्स वेल्दियर सेक्शन और पैसिव में वुमेन्स थी और 25 ईयर्स के जो बिलो थे वो भी थे तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमें पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया है अब वो डिमांड करती हैं राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस वो इन सब चीज़ों की मांग करते हुए अपनी आवाज़ को आगे उठाती हैं कि ऐसे नहीं चलेगा आप सारे के सारे राइट्स मेन को दे रहे हैं हमें कोई राइट्स ही नहीं दे रहे हैं तो अब हम आगे देखते हैं कि उनके राइट्स को देखते हुए सोसाइटी में फ्रेंच सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं नाउ रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है वो ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करती है जिससे जो वुमेन्स की कंडीशन है वो सुधरे तो अब क्या हो रहा है वुमेन्स की जो सीवियर कंडीशन थी उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं
क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूल्स बनने लग जाते हैं एंड स्कूलिंग कंपलसरी कर देते हैं ऑल गर्ल्स के लिए। अब जो फादर हैं वो अपनी बेटी को फोर्स नहीं कर सकते उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने की। और अगर हम देखें कि जो शादियाँ हैं वो फ्रीली रजिस्टर्ड होंगी, मैन भी करवा सकता है और वुमेन भी करवा सकती है। डाइवोर्स को लीगल कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स होंगे ही नहीं, और वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे तो वो मैन कर सकता है चाहे तो वो वुमेन अप्लाई कर सकती है। अब ट्रेंड, जो वुमेन हैं वो अब क्या हो गई, ट्रेंड हो गई है, हर काम में ट्रेंड हैं एंड वो बिजनेस भी रन कर सकते हैं। तो हमने देखा उनकी जो कंडीशन है वो सुधर दी जा रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही चलता रहे। ये जो स्ट्रगल है वो बहुत आगे तक जाने वाला था और पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मिलने में अभी टाइम था। अब टाइम क्यों था, क्योंकि ये रीज ऑफ टेरर का टाइम आ जाता है, जिसमें क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, मतलब जो वुमेन्स के सारे क्लब उन्होंने खोले थे ना 60 तक के, वो सब बंद कर दिए जाते हैं। उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाता है कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब आप लोगों का उत्थान जो हो रहा था ना वो उतना हो गया, अब वापस से सबको डिमोलिश किया जा रहा है एंड बहुत सारी वुमेन्स को अरेस्ट किया जाता है। एंड ये जो कंडीशन है वुमेन की, उनकी राइट टू वोट की, गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है, उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी, वो एक लंबी लड़ाई चलती रहती है। एंड एंड में 1946 में वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, मतलब 1791 तक की बात कर रहे हैं और अभी 1946 चल रहा है। इतना लंबा समय लग गया वुमेन को किस लिए, राइट टू वोट पाने के लिए। तो ये कंडीशन थी, सीवियर कंडीशन थी उस टाइम पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन्स की। सो अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड कि एक फेमस वुमेन थी जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। After that, I am inserting the homework of this chapter. So let's move forward to that slide. So here is the example, the lifeline of a revolutionary woman, Olympe de Gouges. So गौजे भी इन्हें बोलते हैं, इनका टाइम पीरियड इसमें मैंशनड है। जो ये लेडी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स as they executed women from the basic rights that each human being was entitled to. So जो वुमेंस थे उनके basic rights भी नहीं मिले हुए थे और वहीं पर men और other citizens को सभी rights दे रखे हैं, vote का right नहीं है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, protest किया था उन्होंने। She wrote a declaration of the rights of women and citizens, जिसको उन्होंने क्वीन के सामने एड्रेस किया एंड मेम्बर्स ऑफ नेशनल असेंबली के सामने भी एक्ट किया और ये डिमांड किया कि आप इस पर कुछ काम करें। इन 1793 शी ऑल्सो क्रिटिसाइज द जैकोबिन्स गवर्नमेंट फॉर फोर्सबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब। उन्होंने वुमेंस क्लब, 60 वुमेंस क्लब हम लोगों ने इसी क्लास में देखा था, 60 वुमेंस क्लब को बंद कर दिया गया था, बैंड कर दी गई थी उनकी एक्टिविटीज़ को। तो इसका भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इसको। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन याद रखेंगे आप लोग, विद चार्ज हर विद ट्रेजन। फिर उसके बाद इनकी इन कामों की वजह से जो एट द टाइम करेंटली रूल कर रही थी गवर्नमेंट, उन्होंने उन्हें बंदी बनाया और एंड में उन्हें मार दिया गया था। सो दिस इज़ द एग्जांपल, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द बेनिफिट फॉर वुमेन्स। नाउ आई एम इंसर्टिंग द होमवर्क ऑफ टुडेज क्लास।